Hi guys, this is Aniket from BSW and आज अपने न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्राडे में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप साइकोलॉजी वाले फैक्टर का कैसे यूज कर सकते हो एंड उसमें डेवलप कैसे हो सकते हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करने के लिए. सो नाउ मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सेकेंड पार्ट इसका बनाने वाला हूँ, वो फर्स्ट पार्ट था साइकोलॉजी का. अब सेकेंड पार्ट आ गया है स्टॉक सिलेक्शन का. इंट्राडे में आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे? सो बेसिकली ना कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स का आप फॉलो करो और उन सारे स्टेप्स जब आपको एक स्टॉक में दिख रहे हो तभी आप उसको अपने स्टॉक सिलेक्शन में अपने वो वॉच लिस्ट में ऐड कर दो. फर्स्ट फैक्टर होता है कि प्राइस रेंज, आई मीन प्राइस की रेंज, प्राइस रेंज ऑफ द स्टॉक विच यू आर इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन फॉर इंट्राडे 350 से 400 के नीचे नहीं होना चाहिए और 2500 से 3000 या 3500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. वो आप अपनी प्राइस रेंज बिठा के रखना माइंड में. 350 या 400 के नीचे जाओगे तो मूवमेंट बिल्कुल कम मिलेगी क्योंकि वो इतने वोलेटाइल नहीं होते, डिमांड में नहीं होते स्टॉक्स. और 2500 से 3000 या 3500 के ऊपर चले जाओगे तो कुछ ज्यादा ही फास्ट मूवमेंट रहती है उन स्टॉक्स में, तो उसमें भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे. परसेंटेज वाइज मूवमेंट तो सब में सेम होती है लेकिन फास्ट मूवमेंट से रहती है क्योंकि उनका प्राइस ज्यादा है तो उनको बेसिकली कम पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई नहीं देती, उनमें ज्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट है और उस चक्कर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो. इसलिए बिगिनिंग में आप ये रेंज को ही पकड़ करें. सेकेंड पॉइंट इज निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हो और या तो फिर सेंसेक्स या निफ्टी के जितने भी वो है क्या बोलते हैं इंडेक्सेस, उन सबके अंदर के जो स्टॉक्स हो उन्हीं में स्टेक रहो. और आपको वॉलेटिलिटी और दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, आपको नॉर्मल ठीक है आपको मूवमेंट्स मिल जाएगा करेंगी अच्छी खासी और ये थोड़े सेफ रहते हैं स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए. सो बेसिकली बेस्ट तो ये रहेगा निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक, ये दोनों इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके बाहर मत करो तो वैसे बेस्ट है. लेकिन आप बाकी निफ्टी के सारे इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, उनमें भी जा सकते हो और सेंसेक्स में भी जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनमें कर सकते हो इंट्राडे ट्रेड. सो बेसिकली अपन तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं. तीसरा पॉइंट ऐसा है कि उसमें आपको स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं. सपोज आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने वाले हो तो आपको प्रीवियस डे शाम को या रात को या तो फिर नेक्स्ट डे सुबह को मार्केट शुरू होने से पहले आपको लिस्ट बना देनी है स्टॉक्स की जो आपके प्राइस रेंज से मैच करते हो और निफ्टी या निफ्टी के इंडेक्सेस या सेंसेक्स के इंडेक्सेस के स्टॉक्स हो और साथ ही साथ न्यूज में भी हो. यस करेक्ट, यू आर लिसनिंग राइट कि न्यूज में होने चाहिए. अगर न्यूज में होते हैं तो बेस्ट रहेगा. मतलब ये तीनों क्राइटेरिया मिक्स मैच होनी चाहिए उनको, वो न्यूज वाले स्टॉक्स को, कि उसका प्राइस रेंज भी जो मैंने आपको बोला उसमें होना चाहिए, निफ्टी या सेंसेक्स के कोई भी इंडेक्स में से किसी का स्टॉक होना चाहिए और साथ ही साथ न्यूज में होना चाहिए. पिछले एक या दो दिन पुरानी न्यूज होगी तो थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन हो सके उसकी फ्रेश न्यूज होगी उतना ज्यादा बेटर है, तो ज्यादा आपको मूवमेंट दे सकेगा वो स्टॉक और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी करने के चांसेस रहेंगे. पॉजिटिव न्यूज है तो पॉजिटिव जाओ, नेगेटिव न्यूज है तो नेगेटिव जाओ. इंट्राडे में आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. बेसिकली फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं. फोर्थ पॉइंट स्टॉक सिलेक्शन का ऐसा रहने वाला है कि मिनिमम लास्ट 2 to 3 डेज वो स्टॉक कंसोलिडेटेड ना रहा हो. सपोज कोई स्टॉक है तो उसका आपको जज करना है उसके चार्ट्स देख के या कैसे भी आप जज कर सकते हो, आपको जैसे प्रैक्टिस हो. पिछले 2 से 3 दिन तक मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 1 हफ्ता, पिछले 2 से 3 दिन के चार्ट्स देख के आपको अंदाजा लगाना है कि वो कंसोलिडेटेड तो नहीं है ना. कंसोलिडेटेड हुआ तो फिर उसको थोड़ा अवॉइड करना मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि कंसोलिडेटेड है अगर पिछले 2-3 दिनों से तो आगे चल के भी हो सकता है 1-2 दिन और कंसोलिडेटेड रहे. 100% नहीं है बट इसमें क्या होगा फिर आप बाय चांस अगर आपको कंसोलिडेटेड मिल गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. सो फोकस ऑन के 2-3 दिन पहले अगर उसका चार्ट्स या कैसे भी आप देख सकते हो, सिर्फ ये पता लगा लो कि वो कंसोलिडेटेड नहीं है स्टॉक पिछले 2-3 दिनों से और मैक्सिमम 1 हफ्ते से. 1 हफ्ते तक अगर कंसोलिडेटेड नहीं है तो फिर तो बेस्ट है वो स्टॉक आपको, अगर उस पर आपकी स्ट्रेटेजी मैच करती हो, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा स्ट्रेटेजी कैसे होती है इंट्राडे में. तो अगर स्ट्रेटेजी मैच करती हो आपकी और क्राइटेरिया सारे मैच करते हो 4 के 4 तो आप बाय कर सकते हो उसको या सेल कर सकते हो जो भी आपका वो हो लाइक पर्सपेक्टिव. सो अगर आपको शेरखान के साथ यानी कि हमारे साथ यानी कि BSW एंड शेरखान दोनों के साथ जुड़ना हो एक साथ तो आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. अकाउंट ओपन करवाने के बेनिफिट्स ये रहेंगे कि आपकी ब्रोकरेज चार्जेस काफी लो रहेगी. यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस आपको दिखा रहा होगा, ब्रोकरेज चार्जेस काफी लो है, ऑप्शंस की तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट ब्रोकर के बराबर ही है और बेनिफिट
बेनिफिट्स ये हैं कि डेली आपको व्हाट्सएप पे हम न्यूज एंड अपडेट्स देते रहेंगे स्टॉक्स के रिगार्डिंग, स्टॉक रिकमेंडेशंस भी देंगे आपको कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस मेंशनड। एंड जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं ट्रेडिंग के, तो अगर उनका टर्नओवर रिपोर्ट्स हमको अच्छा लगेगा तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हमारी तरफ से। फिर अगर वो और एक्टिवली ट्रेड करते जाते हैं तो हम टाइम टाइम और भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज उनको प्रोवाइड करते जाएंगे, हाई लेवल के टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज। पेयर कोर्सेज हैं जो मैंने बाय किए थे, मेरी टीम ने बाय किए थे, अब हम वो हमारे क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। वैसे कॉल ना करो तो अच्छा है, हैंजस ज्योति कर देना अगर कोई क्वेरी हो तो। स्टॉक्स तो आपने सिलेक्ट कर दिए लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, कैसे जज करें स्ट्रेटेजी क्या है बाय करने की या सेल करने की, एंड क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।